हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तो इस समय मैं हूँ गुलमर्ग के घने जंगलों में। आप लोग देख सकते हैं ये जंगल कितने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं। मन ये करता है कि हम यहीं रहें और यहीं सुकून की ज़िंदगी व्यतीत करें। सबसे बड़ी बात, इस पूरे एरिया में जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, किसी भी कंपनी का कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि तकनीकी युग से हम दूर हो जाते हैं इन घने जंगलों से, और सुकून की सांस भी क्या बताऊँ मैं, यहीं जन्नत का एहसास हो रहा है। और ये पेड़ पौधे और इस तरफ ये नदी बह रही है, मेरे ऐसा मन कर रहा है कि यहीं काश कोई एक कुटिया हो और हम यहीं रहें। और नज़ारा बहुत खूबसूरत है इन खूबसूरत वादियों का। एक्सप्लोर टू गुलमर्ग की अगर बात करें तो यहाँ जितना समय व्यतीत करो उतना कम है। मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा और आगे चलूं। जब उधर जाता हूँ तो मन करता है कि उस पहाड़ पे जाऊं। जब उस पहाड़ पे जाता हूँ मन करता कि इस पार चले हम। इस ऐसा करते करते मैंने लगभग 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ली है और अब मुझे बैक टू गुलमर्ग यानी 0 पॉइंट पे जाना है। और अभी थोड़ी हिम्मत भी नहीं है मेरी चलने की। और मेरा जो दोस्त है, 3 दिनों की दोस्ती हमारी, उसको भी अपने साथ मैंने रखा है। ये सामने ऊपर वो आ रहे हैं, फ़ोटो शोटो वगैरह ले रहे हैं। अब थोड़ी सी जानकारियाँ आप लोगों को भी दे दूँ मैं गुलमर्ग के बारे में। जो लोग आए हैं तो दैट्स गुड, बट जो लोग आना चाहते हैं, कश्मीर घूमना चाहते हैं, गुलमर्ग घूमना चाहते हैं, सोनामर्ग घूमना चाहते हैं, पहलगाम घूमना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या ऐसी जानकारियाँ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस ऐसी ट्रैकिंग तो हम कर रहे हैं, बट आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोग बर्फ़ देखने के शौकीन हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप आइए। और अगर आप बर्फ़ देखने के नहीं शौकीन हैं, समर का व्यू आप लोग देख ही रहे हैं, ये समर का व्यू है। बर्फ़ देखनी हो तो यो महीने आपको बताए हैं, उन महीनों में आप लोग आ सकते हैं और बर्फ़ का लुत्फ जो है ले सकते हैं। बात करें गंडोले की, जो कि गुलमर्ग से लेकर अपर भट्ट फेज 1 फेज 2 तक चलता है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों जाते हैं लोग उस पर, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारियां देना चाहूँगा। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये मेरे साथ ये खूबसूरत वादियाँ हैं और यहाँ पर कोई भी बर्फ़ नहीं है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करूँ तो ये पूरा बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ये पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। और गंडोला इसलिए है क्योंकि गुलमर्ग से लेकर फेज 1 तक गंडोला और फेज 1 से लेकर फेज 2 तक बर्फ़ देखने के लिए ही लोग लेते हैं। बात करूं गंडोले की, थोड़ी सी जानकारी ये भी है कि गंडोले का किराया कितना है, बुकिंग कैसे होती है, उसके लिए हम बात करेंगे कि जो गुलमर्ग से लेकर फेज 1 तक 1 पर्सन का 740 रुपये टिकट है उसका। और दूसरा फेज 1 से लेकर फेज 2 तक 950 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो ये जानकारी गुलमर्ग में गंडोले के संबंधित मैंने दे दी। बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे। और आपके भाई ने तो पूरी ट्रैकिंग जो है पैदल की है। मेरे साथ 2-4 लोग और थे जो कि पुणे महाराष्ट्र से कुछ लोग थे और कुछ मुंबई के थे, तो सब लोगों को साथ साथ में एक्सप्लोर कराया। और थोड़े जंग थे, मेरी एज के थे, इसीलिए वो मेरे साथ साथ चले। और बाकी मज़ा तो यार पैदल में ही होता है। और ये देख लो, ये प्यारी सी नदी जो है बह रही है और इसी को हमने क्रॉस करके चले जाना है अपनी मंजिल की ओर। हमारी मंजिल है गुलमर्ग पहुंचने की, अब बैक टू गुलमर्ग। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस।
तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स जानकारियां दे दी गुलमर्ग के लिहाज से। और गुलमर्ग में होटलों की बात करें तो यार सस्ते भी हैं और कास्टली भी होटल हैं। सस्ते इतने कि 600-700 से रूम आपका बेसिक जो है इकोनॉमी क्लास का शुरू हो जाता है। महंगे इतने कि 10-12-15 हज़ार तक रूम आपको यहाँ गुलमर्ग में अवेलेबल है। वो फिर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ आपका स्टैंडर्ड क्या रहने का, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर, खाने पीने से लेकर। बाकी जिन लोगों ने एंजॉय करना है तो बस उनके लिए तो ये पेड़ पौधे और हवाएं यहाँ की यही काफ़ी हैं, और आसपास में जो पानी बह रहा है नदियों में यही काफ़ी है। तो फिलहाल मैंने जानकारियाँ दे दी हैं आपको, मगर मैं ये भी आप लोगों को थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा कि श्रीनगर से आप गुलमर्ग के लिए वन डे ही ट्रिप बनाएं और बैक आप श्रीनगर वापस चले जाएं। हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि मुझे सब चीज़ों का ए से लेकर जेड तक नॉलेज था। जहाँ महंगाई इतनी है, मैं अगर आप सबको पता है, जैसे मैं कटरा की बात करूँ, अपने जम्मू की बात करूँ, वहाँ पर पानी की जो बोतल है वो मिलती है 20 रुपए की। और 15-16 किलोमीटर वैष्णो देवी भी आप सब जानते हैं कितना ऊपर है, वहाँ पर भी जो है पानी की बोतल 20 रुपए की ही मिलती है। और यहाँ पर फेज़ वन पे 50 रुपए की बोतल पानी की, चाय का कप जिसको हम कटरा में 10 रुपए या 15 रुपए से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते हैं, और वो 50 रुपए का गुलमर्ग के फेज़ वन में लोगों को जो है वहाँ के जहाँ के लोकल जो है सैलानियों को दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और हम तो भाई पूरी तैयारी से आए थे क्योंकि मुझे पहले पता था सब चीज़ों का। तो जिसको जानकारियाँ नहीं हैं भाई, जानकारियाँ लो, घूमने से पहले पूरी जानकारियाँ लो फिर निकलो घर से। जब तक आपके पास जानकारियाँ नहीं होती हैं तब आपको समय भी आपका वेस्ट होता है, समय के साथ साथ पैसा भी वेस्ट होता है, और पैसे के साथ साथ एनर्जी भी वेस्ट होती है। और इसीलिए आपका भाई पिछले कुछ महीनों से यही मेरा प्रयास है कि आप लोगों को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिहाज से हर वो छोटी से छोटी जानकारी सही समय के साथ सही अनुपात में मिले। और फिलहाल यही गुलमर्ग के बारे में जानकारियां थी, आप लोगों को बताने का प्रयास था। इस समय मैं हूँ गुलमर्ग में और नज़ारा आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आप सबसे ले रहा हूँ अनुमति,